इंट्रो चला ही नहीं, इंट्रो चला ही नहीं, मैं उसको 3 सेकंड पे दबाया, चला ही नहीं वो तो अनम्यूट रह गया वो, वरना अपने आप म्यूट हो जाता है वो बैकग्राउंड। कोई बात नहीं। हेलो गाइस, हाउ आर यू, क्या हाल चाल, कैसे है सब लोग, वेलकम टू बाबा एंड रोज। और इस वीक अच्छा अच्छा मैचेस है काफी, लिवरपूल आर्सेनल का भी मैच है, चेल्सी वुल्स, फ्रैंक लैम्पार्ड सेकंड होम कमिंग, बहुत सारा कुछ है तो करेंगे बात उनकी, लेकिन उसकी तो हमने काफी बात ऑलरेडी कर ली है, तो आज थोड़ा सा चिल रखेंगे मामला, थोड़ा बहुत फुटबॉल की बात करेंगे, थोड़ा चिल रखेंगे। क्या चल रहा है मानस, व्हाट्सएप भाई? आज तो बहुत थका हुआ यार, मतलब लंबा दिन था यार आज, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, फुटबॉल के बारे में इतनी बात कर लेते हैं कि फुटबॉल से भी थोड़ी थकान हो जाती है, वैसे बात ही ट्रेनिंग आ गई है। सेम, मुझे भी सेम ऐसा वैसा हो रहा है, तो मैंने सोचा चिल ही रखते हैं इसको, ज्यादा एक एक मैच के इनडेप्थ में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे और चिल करेंगे। और बताओ गाइस, आज भागा बाबा 6 किलोमीटर विदिन 30 मिनट्स। हाँ, कार्डियो, मतलब कार्डियो बहुत भागा आज, मजा आया। गैलेगर अंडर क्लॉप, वो गिर गया मिट्टी में। भाई मस्त था। बाकी क्या चल रहा है भाइयों? हैवर्ड्स को एफपीएल में नहीं हटाया मैंने उसको, अरे यार अभी छोड़ो एफपीएल के लिए, कल एफपीएल पंचायत पे आ जाना, हो जाएगा सब सही है, कोई नहीं। और आईपीएल चल रहा है गाइस, लखनऊ सुपर जायंट्स जीतने वाली है, बहुत ही वन साइडेड मैच हो गया आज तो भाई। केकेआर ने हरा दिया आरसीबी को, वो हराया तो हराना थोड़ी कहते उसको, वो जो किया उन्होंने। हां मतलब ऑफ कॉर्नर है मेरा टुवर्ड्स केकेआर बिकॉज़ ऑफ चंद्रकांत पंडित, बट अच्छा लगा यार देख के। शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड शार्दुल, लॉर्ड शार्दुल भाई, ही लॉर्ड शार्दुल ब्रो। एक एक ट्वीट आया था जो बहुत पॉपुलर हुआ 2018 में, वो साउथ अफ्रीका से आया और वो लैंड किया भाई, फिर वो अंधेरी स्टेशन गया और लोकल ट्रेन लेके वापस पालघर गया जिधर रहता है, और सब लोग उसको ट्रेन में, मतलब दैट्स व्हाई इज लॉर्ड ना ब्रो, लॉर्ड भाई, लॉर्ड पुनीत, लॉर्ड ठाकुर, आजकल लॉर्ड्स के लॉर्ड्स की लॉर्डनेस, लॉर्ड हैवर्ड्स, लॉर्ड हैवर्ड्स, बढ़िया बढ़िया। जॉन विक 4 देखा क्या मानस? नहीं यार मेरे को पता भी नहीं क्या है। अच्छा अच्छा, जॉन विक सीरीज नहीं देखी है, देखना, मतलब एक्शन मूवीज पसंद है क्या? नहीं। अरे यार अच्छा, पसंद हो तो फिर जॉन विक देखो, मजा आएगा, मतलब गुड 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 फन, गुड फन, गुड फन। कल हमारे कल पूछ रहे थे कि जॉन विक या जेम्स बॉन्ड, निधिन ने जॉन विक बोला। यार ये तो मतलब वो थोड़ा अनफेयर है, मतलब ये तो कैसे आप कंपेयर कर सकते हो, दोनों अलग ही चीज है। यार जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड है यार, मतलब जेम्स बॉन्ड का तो स्वैग, वो स्टाइल, वो जो भी पूरी सेटिंग होती है वो अलग ही है यार। एक प्लेयर पिक करना टू बी द नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड फुटबॉलर, मतलब एक्टिव, एक्टिव या रिटायर्ड या कुछ भी, मतलब एटलीस्ट, एटलीस्ट लोगों को पता होना चाहिए कौन है, लाइक अब मतलब अभी आप डोंट गो ऑल सादिक भाई एंड से कि देखिए यूसेबियो। यार मतलब ऑब्वियसली जेम्स बॉन्ड का तो इंग्लिश का क्राइटेरिया रहता है, बट एक बार अपन वो नहीं करे तो ओलिविए जीरू यार, द सेक्सी फ्रेंच मैन, द सेक्सी फ्रेंच मैन ओलिविए जीरू। प्रणय से भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं, प्रणय वन फुटबॉलर विच यू फील कैन बी द नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड, अगर जेम्स बॉन्ड बना रहे हो और एक फुटबॉलर को ले रहे हो तो किसको लोगे? मतलब लोग जानते हो, जानना होना चाहिए, मतलब मेन स्ट्रीम फुटबॉलर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि तू मतलब कोई सासू बोला होगा लेफ्ट बैक बोल दे। आई थिंक करीम बेंजेमा, करीम बेंजेमा भी हाँ, वो यार उसका अलग ही ट्रिप था जब वो, उसका अलग ही ट्रिप है। हाँ मतलब मैं, मेरे फर्स्ट इमेज वही आया कि सूट चश्मों के साथ, इमेजिन करीम बेंजेमा विद अ गन इन हिज हैंड, उसके टपट्टियों के साथ
गोली मारता हुआ। अच्छा फ्रॉम योर क्लब्स, फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव क्लब्स, चेल्सी एंड मैन सिटी। देखो चेल्सी में तो बहुत हो सकते हैं बिकॉज़ इतने प्लेयर हैं, बट आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा मैन। ओह फक ऑफ, ही वाज द वर्स्ट जेम्स बॉन्ड एवर भाई। क्या बोलती, यू विल बी फन, यू विल बी फन। फ्राइडे नाइट बर्बाद कर दी बर्नार्डो सिल्वा। नहीं बट मानस हियर मी आउट, आई से हियर मी आउट, हियर मी आउट। बर्नार्डो सिल्वा इज जेम्स बॉन्ड। हां भाई क्यों नहीं, ये तो निधि का डायलॉग याद है कि शक्ति कपूर को मकबूल में एक्टिंग करवा दे तुम, ये वही बात यार। देखो ऑब्वियस चॉइस तो फिर लोग हालैंड ही बोलेंगे कि हालैंड ऑफ कोर्स हैज दैट फिजिक एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट आई थिंक इट वुड बी फन टू वॉच फॉर अ चेंज, यू नो, लाइक बर्नार्डो सिल्वा। लॉफ्टस चीक। बट फ्रॉम योर मैनेजर आई थिंक क्लब, आई थिंक गार्डियोला वुड बी अ गुड जेम्स बॉन्ड भाई। ओह या गार्डियोला वुड बी अ डैम गुड जेम्स बॉन्ड भाई। और शॉन डाइश विलन होगा। आई थिंक विलन के मामले मेरे को क्लॉप ही लगता है भाई। उसकी हंसी भी वैसी है। इमेजिन गार्डियोला गोइंग फॉर अ टास्क इन जर्मनी एंड ही फाइंड्स क्लॉप देयर एंड क्लॉप ऐसे बियर पी रहा है ऐसे। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की भी। हां लेवेंडोव्स्की आल्सो, या या या। बैकहम तो यार मतलब ऑब्वियस, बैकहम तो वाज इन द रेकनिंग फॉर बिकमिंग द बॉन्ड। करंट प्लेयर से बात किया ना भाई अभी। बाबा बट आपने बोला फ्रॉम चेल्सी। चेल्सी यार है ही नहीं कोई ऐसा। ड्रॉगबा, सॉरी ड्रॉगबा, ड्रॉगबा। निधि भैया आप बताओ, अगर एक फुटबॉलर जिसको जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले करना है। जावी अलोंसो। हां दैट्स अ गुड शॉट, दैट्स अ गुड शॉट। जावी अलोंसो भी मस्त लगता है सूट वूट में। हमने कोई बारसा प्लेयर का नाम नहीं लिया, प्लीज लेट्स हैव बारसा रिप्रेजेंटेशन एज़ वेल। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, रियल मैड्रिड से बेंजेमा, बायर्न से तो टुकल, उससे बड़ा बॉन्ड कौन होगा भाई। जेरार्ड पीके, यस जेरार्ड पीके इज अ गुड शाउट। Virgil van Dijk, you think Van Dijk can be a good bond? No. Okay. Van Dijk. I think Grealish, yaar. Isne likha hai Grealish, yaar. I would take Grealish as bond. Grealish, tere naam thodi bana rahe hain, yaar. उसे रूपा रूपा का एड थोड़ी चल रहा है कि ग्रिल। अरे यार एक सेकंड, नहीं नहीं भाई, बट देखो बट सलमान खान ने भी और मूवी करी है ना, लाइक तुम एक ही कैरेक्टर को क्यों ले रहे हो। वो जेम्स बॉन्ड बनेगा तो उसके बाल वैसे करेंगे ना शॉर्ट, एकदम करेंगे ना उसके, एकदम काटेंगे तब और हैंडसम लग रहा है। निधि का एनालॉजी आने वाला है कुछ गंदा वाला। एनालॉजी नहीं आने वाला है बट ग्रिलिश शांति शाह, फ्री एंट्री, नो क्या था फ्री एंट्री। गोल्ड का मोस्ट लाइकली क्लब नेक्स्ट सीजन यार बार्सा ही है भाई, बार्सा ही हो ऑब्वियसली। अभी जितनी भी न्यूज आ रही है इज गोइंग बार्सा, बार्सा मोस्ट लाइकली यार भाई। कनेक्ट तो है, दूर बहुत है अब यार, मेरे को ऐसे रखना पड़ेगा फॉर अ क्लियर ऑडियो। और बता, संवाददाता की तरह पकड़ लिया मैंने माइक। दीपक कुमार, दीपक चौरसिया, दीपक चौरसिया। तो ये ऐसे है, इसको मैं थोड़ा सा अपने करीब रख लेता हूं। जेम्स बॉन्ड विलन विल बी ज़्लातन, विलन तो शॉन डाइश होगा भाई। क्लॉप, क्लॉप बाबा प्लीज, क्लॉप, क्लॉप वुड बी द बेस्ट बॉन्ड विलन एवर भाई। आई थिंक ऑल जर्मंस, टुकल, क्लॉप, मुलर को बना दो भाई विलन, क्या सूट करेगा वो। नागल्समैन विलन, लाइक जैसे ब्लफ मास्टर देखे ना जैसे रितेश देशमुख, वैसे नागल्समैन होगा, लाइक एंड में जाके विलन निकलेगा वो। ये आदित्य भाई ने जानबूझ के लिखा है क्या, फ्रैंक लैम्पू, शेवचेंको, काय हावर्ट्स। भाई देखो इसमें से तो देखो टेक्निकलिटी पे तो देखो पहला नाम तो है ही नहीं, क्योंकि फ्रैंक लैम्पार्ड इज अ सिटी लेजेंड, ठीक है, तो शेवचेंको और काय हावर्ट्स में से कोई एक तुम ले लो। अरे यार जिडान, जिडान विल बी अ गुड बॉन्ड। जिडान वुड बी अ गुड बॉन्ड, या इवन गाटुसो फॉर विलन भाई। हां
एलिसन भाई, एलिसन भी स्वैग। हाँ, गुड शॉट, गुड शॉट। एलिसन, एलिसन, हाँ, एलिसन में स्वैग। एलिसन प्रॉपर स्वैग है। कुकुरिया परफेक्ट फॉर तेरे नाम। नहीं, मतलब परफेक्ट वो धूम। जेम्स मुसियाला कौन है ब्रो? जमाल मुसियाला। जमाल मुसियाला तो भाई बॉन्ड गया। जमाल मुसियाला तो चक नॉरिस है भाई। खैर एनीवेज, बात करते हैं यार, सब वही करके आ रहे थे इसलिए मैंने कहा ग्रिस भाई के चैनल पे भी हम वही कर रहे थे, प्रणय भी वही करके आ रहा है अभी, तो अब क्या सेम सेम चीज डिस्कस करें बार बार, थोड़ा बहुत कर लेंगे मेन मेन मैचेस के बारे में। बट प्रणय तू बता, लैम्पार्ड के बारे में तेरा क्या ख्याल है यार? तेरे से बात नहीं हुई लैम्पार्ड को लेकर, बाकी मानस और निधि भी ऐसे तो हो गए डिस्कशन, तेरा क्या ख्याल है लैम्पार्ड का? Lampard is a very good player. He helped us win against Chelsea when he came in the in draw. The हुआ था वो, draw हुआ था वो match. हाँ, draw, draw. Lowry, आठवें साले याद भी नहीं तेरे को? हाँ, one था या two one one था? One था. He's a very like he has been a Man City legend forever. I think Chelsea fans claim him Lampard as their like their legend, but I don't think so. But वापस अब कैसे आ गया है वो मेरे को खुद नहीं पता। वो चेल्सी वापस क्यों आया उसको खुद नहीं पता। तो बस यही थी मेरी शॉट, वो निबंध, छोटा सा निबंध 5 मार्क्स का, मतलब दो नंबर के हिसाब से लिखा है मैंने तो फिलहाल, बट कोई सेंस नहीं है। मतलब आप मेरे को याद है बाबा आपसे भी जब मेरी बात हुई थी, कोई सेंस नहीं है उसका आने का चेल्सी, वो भी इंटरिम के लिए, मतलब क्या करने आए हो तुम? अच्छा तो किसी वाइड तो पुश कर सकता था ना किसी नए मैनेजर को, एटलीस्ट वो 3-4 महीने में टीम तो बिल्ड करता, एटलीस्ट ही हैड मैचेस, एटलीस्ट ही वुड हैव डन दैट। बट व्हेन यू हैव नो विजन विद अ मैनेजर, नो अग्रेशन, नो पैशन, हां तो इट डजंट मेक एनी सेंस। देखते हैं यार, मेरे मतलब कोई अपसाइड नहीं है तो कोई डाउनसाइड भी ज्यादा खास है नहीं इसका। मैंने थोड़ा सोचा तो मुझे लगा कि टाइम अगर चाहिए अपॉइंट करने के लिए तो ठीक है ले आए, बट डाउनसाइड क्यों नहीं है बाबा? आई थिंक डाउनसाइड तो है ही ना काफी। क्या डाउनसाइड तो है? क्या अब देखो, मैं बस एक चीज बोल रहा हूँ कि अगर उसके पास, अगर आप कोई नया मैनेजर अभी लेकर आते, ठीक है, नहीं आ सकता ना अभी, अभी आ ही नहीं रहा ना, ओनर्स टाइम ले रहे हैं ना, वो सवाल ही खत्म हो गया ना, वो तो पॉइंट ही खत्म हो गया, क्योंकि ओनर्स क्या है, अब नागल्समैन नहीं आना चाह रहा समर से पहले, लुइस एनरिके का सिर्फ इंटरव्यू हुआ है अभी, वो और 3-4 लोगों का इंटरव्यू लेना चाह रहा है फाइनल करने से पहले, तो वो टाइम, एक दो मैचेस तो अगर होते भी तो 20 दिन तो बहुत होते बाबा मैनेजर्स तो, मतलब एक अब लैम्पार्ड को ही देख लो, कहाँ पता था उसको आने वाला है भाई, वो 3 दिन में साइन हो जाएगा। तो इन फुटबॉल लाइक एज लॉर्ड ज़लाटन हैज सेड, इन फुटबॉल थिंग्स हैपन वेरी फास्ट, यू नेवर नो व्हाट इज गोना हैपन इन फुटबॉल द नेक्स्ट डे इफ यू वेक अप। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम वाली बात है, जब टाइम लेके उन्होंने जब बिना टाइम लिए टुखेल को सैक करके पॉटर ले आए, तो थोड़ा टाइम लेके 1-2-3 मैचेस देने के बाद एक अच्छा मैनेजर ले आते। बट मेरे को ऐसा लगता है कि इससे ना और ज्यादा प्रॉब्लम चेल्सी के लिए ही बढ़ जाएगी, क्योंकि आई थिंक लैम्पार्ड तो हो जाएगा, वो तो कहेगा भाई टाटा बाय बाय आफ्टर एंड ऑफ द सीजन, चाहे आई थिंक चेल्सी अच्छा करे या चाहे खराब करे, आई थिंक ही विल बी गॉन फॉर श्योर, मेरे को जहां तक लगता है। आई थिंक बिकॉज ऑब्वियस है, वो तो हम भी नहीं चाहते कि फुल टाइम बने वो, द जॉब इज ऑलवेज टू बी, सो दैट इज द डाउनसाइड ना बाबा, नाउ दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, दैट इज द डाउनसाइड ना, व्हाट इफ लैम्पार्ड डज वेल, व्हाट इफ लैम्पार्ड डज वेल, तो वो नहीं नहीं भाई वो फुल ऑफ इन एवर्टन नहीं, अगर वो अच्छा करेगा तो दैट वुड बी बिकॉज ऑफ द फील गुड फैक्टर, बिकॉज ऑफ द टैक्टिकल प्रोवेस उसकी, और वो फील गुड फैक्टर ना सिर्फ उतना ही लास्ट करता है 2-3 महीने, ज्यादा लंबा लास्ट नहीं करता है। तो वो आपने जो डीम टेओ के साथ गलती करी थी आप दोबारा दोहरा रहे, तो आप बेवकूफ, वो वाली बात है। तनुज कह रहे हैं रियल मैड्रिड 20 UCLs अर्लियर देन एनी अदर क्लब 10, हो सकता है भाई, रियल मैड्रिड है, एनीथिंग इज पॉसिबल, दे कैन डू इट, बट द क्लोजेस्ट आर आई थिंक एसी मिलान के 7 है, बायर्न के 7, 7 लिवरपूल के 6 है, मिलान एंड बायर्न, मिलान 7, बायर्न एंड लिवरपूल 6 ईच, शशांक कह रहे हैं फ्रैंक लैम्पार्ड 9:30 बजे पहुंच गया एड ब्रिज,
जिंदगी में उसको कुछ बड़ा करना था, जिंदगी में उसको कुछ बड़ा करना था ना, कुछ बड़ा करना था। 9:30 बजे वो पहुंच गया, बड़ी मुश्किल से टॉड बोली ने उसके लिए एक मैनेजर का जॉब निकाला था। बट कमिंग टू द टाइटल रेस, प्रणय तेर से ही बात कर लेते हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा हम लोग तो यही सब बातें करके आ रहे हैं। तो अच्छा अच्छा क्या लग रहा है आर्सेनल लिवरपूल? आई थिंक मतलब इसमें कोई कहने की बात नहीं, आई थिंक मोस्ट लाइकली आर्सेनल विल विन, ऑल्दो आई एम रूटिंग फॉर लिवरपूल। भाई मैंने लिख भी दिया वाई एंड डब्ल्यू ए सब, मैंने यू विल नेवर वॉक अलोन, कम ऑन लिवरपूल, मैंने सब कुछ कर दिया भाई। आई एम अ लिवरपूल फैन भाई, ऑफिशियली आई एम अ लिवरपूल फैन फॉर आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल गेम। दिस इज द ओनली चांस, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट चांसेस दैट आई थिंक आर्सेनल कैन ड्रॉप पॉइंट्स, और अगर यहाँ से अगर मोमेंटम तोड़ दिया ना आर्सेनल का, देन आई थिंक इट विल add some spice in the you know final, like final ke jo last ke jo kuch games bache usme thoda sa spice add ho sakta hai, but yaar as things stand Liverpool wahi hai yaar, unpredictable si hai. Like I wish Liverpool can pull off that United wala game yaar ek bar wapas, because one of the reasons, and I have always said it, because they are playing at Anfield, and when you are playing at Anfield anything can happen, like kuch bhi ho sakta hai bhai. To on paper and everything, my mind says of course that Arsenal will win, but my heart is saying that Liverpool should edge this because they are playing at Anfield. Liverpool bhaiyon se to main nahi puchunga sawal kya hai, kyunki I know what the answer is going to be. It's Jekyll and Hyde type ki team hai, you never know when they turn up. Team selection is a problem. Thoda sa isko twist karte hain. निधि भैया आप बताओ पहले, व्हाट वाज द लास्ट मोस्ट अनलाइकली विक्ट्री जो आपको लगा था कि लिवरपूल तो नहीं कर पाएगी, और या मतलब जो आपके दिमाग में आता है, एक बार ये यूनाइटेड का 7-0 लटा दो भले ही। नहीं, यूनाइटेड वाला 7-0 वाज अनलाइकली, बट मुझे 7-0 तो अनलाइकली, हां मुझे ये पता था कि विल टर्न अप अगेंस्ट यूनाइटेड। हां बट ऐसा कोई आपको याद आता हो रीसेंट मेमोरी में कि फेवरेट्स नहीं थे या चांस कम था लेकिन निकाल लिया मैच? नेपोली, हाँ दैट्स अ गुड शॉट। हाँ नेपोली उस टाइम दे वर फ्लाइंग, सिटी भी, हाँ सिटी भी फर्स्ट गेम इन द सीजन। ये कुछ गेम्स थे जो मेरे को लगा था कि हम फेवरेट्स नहीं थे बट निकाल लिया था। सो या बट नेपोली 2019 बार्सिलोना तो गजब ही मैच है भाई, वो तो अलग ही है, वो तो हटा ही दो। वो तो बट बाबा मतलब बात करो, मैं 2019 में जो हम बार्सिलोना से 3-0 हारे भी थे ना, इतना बुरा हम खेले नहीं थे, बट जस्ट वी कुड नॉट फिनिश। सो यदि भैया कोई फायरिंग ऑफिस एनेकडोट बता दो जिससे को सुनकर लिवरपूल आर्सेनल को हरा दे। अबे ऐसा मतलब ऑन डिमांड नहीं निकलता भाई। बट हाँ मानस फॉर यू, सॉरी फॉर मी व्हाट पापा, मतलब अनलाइकली कोई ऐसा लिवरपूल का रिजल्ट ये सीजन? तो निधि ने करेक्ट बोला, मैन सिटी एंड नापोली कम टू माइंड। यूनाइटेड हमको पता था हम ठीक ठाक खेलेंगे, 7-0 तो किसी के अगेंस्ट भी फ्रीक होता है यार। बट यू नो वन थिंग विच यू नो लाइक जो पब्लिक बोल रही है एनफील्ड, यू नो लाइक एनफील्ड में कुछ भी हो सकता है, एनफील्ड में कुछ भी नहीं हो सकता। एनफील्ड में अगर लिवरपूल जीतता है वो नॉर्म है, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। ये सीजन अनप्रिडिक्टेबल हुआ है हम लोग, we went on a 68 game unbeaten run at Anfield under Jurgen Klopp. Massive. 68 game is across 3 seasons bhai log, bahut badi baat hai, which includes Van Dijk ka to record tha bhai unbeaten hone ka, Van Dijk ka to record tha unbeaten hone ka 3 seasons. So mera point hai ki 68 games under Klopp, which is spans 18 game home pe hoti hai चैंपियंस लीग में, तो ऑलमोस्ट 3 साल हम लोग होम पे नहीं हार रहे हैं। फिर वो हारे बॉनली के अगेंस्ट जब हमारे सब प्लेयर इंजर्ड थे 2020 में। लास्ट सीजन भी हम लोग कितने गेम हारे इनके, 2 या 3, मतलब एनफील्ड पे नहीं, ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ।
सो अनप्रिडिक्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है एनफील्ड में. अनप्रिडिक्टेबिलिटी ये होता है जब हम हारते हैं या पॉइंट ड्रॉप करते हैं एनफील्ड में. ये सीजन तो इज अनप्रिडिक्टेबल. तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वी आर अनप्रिडिक्टेबल एट एनफील्ड दिस सीजन. ऑफ कोर्स वी आर फकिंग अमेजिंग एट एनफील्ड. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. सबकी फटती है एनफील्ड पे आने. अभी भी वो आर्टेटा अभी भी यूल ने वॉक अलोन प्ले करेगा भाई. मतलब आर्टेटा फॉर हिज प्लेयर्स टू स्पीकर लगा के स्पीकर लगा के अरे याद आ गया यार. अच्छा वो याद दिला दिया मेरे को. हां हां मीम तू डालना कुछ अभी अभी याद आ गया. मैं डालने वाला हूं. आई फील ना अभी थियागो इज बैक बाय द वे. थियागो इज इन फुल ट्रेनिंग सो दैट इज मैसिव फॉर अस. क्योंकि थियागो रहता है हम लोग मिडफील्ड में वी टिक. So don't be surprised if we do you know like Man City fans a favor, but I don't think we're doing any favor because humne Man City ko bhi haraya Anfield. So it is all equal. Arsenal se away hare, City se away hare. Agar Arsenal ko hara diya abhi, so if Man City wants parity restore ho jayegi. If Man City wants to beat Arsenal in the league, they have to beat them, and that's how it should be. I really think that game is going to be massive. So I am really looking forward to our game against Arsenal. Not because top four gaya bhai. But let's just enjoy a game, enjoy a victory hopefully. मान लो Arsenal का draw हो जाए और City जीत जाए, तो कितने 2 पॉइंट का 3 पॉइंट का gap रह जाएगा ना? फिर तो Arsenal Man City is a straight title decider. एक बार points table देख ही लेते हैं. I think उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा पापा. एक गेम कम खेला हमने अभी. अच्छा अच्छा अच्छा. एक गेम भी हैंड होता हमारे पास. एक गेम इन हैंड होगा. ओके समझ गया. फिलहाल 8 पॉइंट है. हाँ 6 हो जाएगा विद सिटी हैविंग अ गेम इन हैंड ना. इफ व्हाट यू सेड हैपेंस बाबा. हाँ तो बस फिर सिटी विंस देयर गेम इन हैंड और आर्सेनल को अगर दे बीट तो आ गई फिर तो टाइटल रेस गोइंग डाउन टू द वायर होगी. मुश्किल है. मुश्किल है भाई. ये टफ गेम होगा. आई थिंक इट्स स्टिल इन सिटीज हैंड्स. सही बताऊं तो मुश्किल है बट इट इज स्टिल इन सिटीज हैंड्स. नो आई डोंट थिंक सो बाबा. आई थिंक इट इज इन आर्सेनल्स हैंड यार. नौ मैच एक पॉइंट तो ड्रॉप करेगी ना कहीं आर्सेनल. आई मीन दे हैव टफ फिक्चर्स. यस दे हैव अस. दे हैव लिवरपूल. साउथहैम्पटन इज आई थिंक दे विल. चेल्सी है बस एक. बट वही है कि चेल्सी अभी I am counting only on जो वो नाम है Liverpool and Chelsea. Although both teams have not performed at मतलब what they are capable of. तो अगर बड़े नाम की बात करें तो of course Liverpool and Chelsea they are playing both of them. But I think it is in Arsenal's hand, Baba. I don't think so. It's in City's hand at all. Until unless हम level up करें तब शायद हो सकता है. But उसके again I think if Arsenal keeps winning. एक जो टाइटल डिसाइडर मैच भी जो आप बोल रहे हो आई थिंक वो तभी टाइटल डिसाइडर रहेगा जब वी हैव अ गैप. मतलब वो 6 पॉइंटर वाला मैच होगा अगर हम 3 की रेंज में होंगे. बट अगर सिटी जैसे आप बोल रहे हो कि आर्सेनल भी पॉइंट ड्रॉप करेगी नेचुरली सिटी कैन आल्सो ड्रॉप पॉइंट्स यार. मतलब इट इज नॉट वेरी न्यू और हमने बहुत सारी मतलब बोगी टीम से पॉइंट्स ड्रॉप करे भी हैं. मेरे को मालूम है क्या लग रहा है बॉयज. अगर आर्सेनल बीट लिवरपूल देन दे विल विन द लीग. सिंपल एज दैट. जीत जाएगी यूनाइटेड. बट एवर्टन शॉन डाइस थोड़ा सा अभी यूनाइटेड कर भी रही है. लैक लस्टर सी भी लगी है बट होम पे आई थिंक यूनाइटेड विंस दिस वन. या आई थिंक यूनाइटेड विल विन. हां यूनाइटेड विंस दिस वन. नीचे आ जाते हैं. चेल्सी वुल्स का क्या लगता है गाइस? न्यू मैनेजर बाउंस. बाबा न्यू मैनेजर बाउंस. आप तो बैक करोगे ही. निधि भैया आप म्यूट पे हो कुछ कह रहे हो? अरे कैमरा बंद कर दिया. कैमरा ही बंद कर दिया. मैं बोल रहा हूँ यूनाइटेड एवर्टन बहुत प्रॉब्लम होगी. मतलब इशू होगा लेकिन आई थिंक यूनाइटेड जीत जाएगा. मैन यूनाइटेड. मुझे लग रहा था लास्ट वीक ना अर्ली किक ऑफ है तो गोल नहीं होंगे ज्यादा लिवरपूल और मैन सिटी में. बट मैन सिटी बीइंग मैन सिटी कर लो बात. बिना हालैंड के 4 गोल मारे हमारे. मतलब वही है ना यार. अब सिटी का कुछ कह नहीं सकते है ना. बट इसमें मुझे लगता है इसमें डेफिनेटली अर्ली किक ऑफ का फर्क पड़ेगा यार. इसमें मतलब नैरो विन फॉर यूनाइटेड 1-0 टाइप.
मुश्किल या यूनाइटेड विन, यूनाइटेड विन है सी, मेरे को तो नैरो भी नहीं लग रहा, शायद से एरिक्सन भी इज बैक आई थिंक, सो आई थिंक यूनाइटेड शुड बी ओके। कैसेमिरो आ गया क्या? नहीं आई थिंक एक और, एक्सक्यूज मी, एक और मैच मिस कर रहा है कैसेमिरो। बाबा अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वुड लैम्पार्ड नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू कन्विंस यू अबाउट हिम स्टेइंग? भाई देख, पहली बात तो लैम्पार्ड नीड्स टू कन्विंस दी ओनर्स, नॉट मी। मेरे कन्विंस होने से नहीं होने से वो तो कर दिया उसने। एंड दूसरा, आई थिंक द जॉब इज टू बिग फॉर हिम, जैसा निधि भैया ने भी कहा था कि स्टेप बाय स्टेप आपको जाना चाहिए। इंटरिम और फुल टाइम मैनेज करना अलग बात है। वी हैव ऑलरेडी गिवन हिम द जॉब एंड इट डिडंट टर्न आउट टू वेल। एक सीजन की बात थी, बट नेक्स्ट सीजन हमको दिख गई थी जो एक एबिलिटी में दिख रहा था कि क्या फर्क है, जो टॉप मैनेजर से क्लॉप और पेप का एक अलग चल रहा था और हम बहुत नीचे थे उस टाइम पे, तो दिख समझ आ गया था कि हमको क्या चाहिए था, एक प्रॉपर टैक्टिशियन, एक प्रॉपर मैनेजर की जाए। वो लैम्पार्ड डेवलप कर लेगा, लेकिन अभी इज नॉट द टाइम मेरे हिसाब से। नो मैटर इफ वी गो अनबीटन, अभी 10 मैच प्रीमियर लीग के, 5 मैच पोटेंशियली चैंपियंस लीग के, अगर हम जीत भी जाते हैं तो भी आई डोंट थिंक सो वी शुड गिव हिम द जॉब, टू बी ऑनेस्ट। बट वो उस टाइम पे इतनी ज्यादा लाउड हो जाएंगी वॉइसेस की इट वुड बी डिफिकल्ट टू लुक बियॉन्ड हिम, बट देखते हैं क्या होता है। हाँ हाँ, आराम से प्रणय, नो प्रॉब्लम, तू निकल जाना जब भी तेरे को लगे। इसका बता दे, आर्सेनल लिवरपूल का तेरा प्रेडिक्शन बता दे। म्यूट पे, म्यूट पे, म्यूट पे, सब म्यूट पे हो। मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ बाबा, यू विल नेवर वॉक अलोन भाई, गो एलएफसी, गो एलएफसी। लाल, मैं लाल जर्सी पहन के, लिवरपूल की जर्सी मैं दोस्त से मांग के बैठूंगा कि भाई प्लीज जिता दो भाई हमें। बट आई थिंक आर्सेनल इज टू स्ट्रांग राइट नाउ यार, लाइक द प्लेयर्स दे हैव राइट नाउ, वी ऑल सीन ऑल ऑफ दैट। आई थिंक आर्सेनल इज जस्ट टू स्ट्रांग, एंड लाइक मानस ऑलरेडी सेड, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा कि एनफील्ड पे जीतना इज अ नॉर्म, सो आई होप अपना वो जो नॉर्म है वो लिवरपूल बरकरार रखे एंड द गैप गेट्स क्लोज्ड। देखते हैं क्या होता है। डू यू सी लिवरपूल सैकिंग क्लॉप इफ दे मिस आउट ऑन यूरोप? यार ये हम इस पे बहुत बार बात कर चुके हैं, क्लॉप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रॉपर एक ट्रांसफर विंडो होगी समर में, एंड देन लिवरपूल विल बी बैक, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाकी क्लॉप तो यार देखो, क्लॉप को जाना होता ना, क्लॉप विल वॉक अवे अगर उसको लगेगा कि इज नॉट अप टू इट या हिज हार्ट इज नॉट इन इट। हां निधि भैया, मेरे को नहीं लगता सैक तक की बात आएगी अगर चीजें खराब होती हुई। इफ क्लॉप हैज टू लीव लिवरपूल, इट विल बी ऑन हिज टर्म्स, नॉट सैक। डेस्टिनी स्टिल अराइव्स, ठीक है। इसको क्लॉप सैक नहीं हो रहा है भाई, मतलब उसके बारे में मतलब बहुत लोग डर रहे हैं, बहुत लोग उसके बारे में फैंटेसाइज कर रहे हैं, बट क्लॉप नहीं सैक हो रहा है मेरे भाई। सानिया मल्होत्रा एंड यर्गन क्लॉप, वाओ। अरे यार बढ़िया बढ़िया बात है, बढ़िया बढ़िया, नाइस नाइस। मैं भी एक ऐसा बनवाता हूँ, डी मटेरियल, डी मटेरियल के बनवाता हूँ मैं भी। मानस मैं आ रहा हूँ मुंबई, ये झंडा पकड़ के बैठूंगा मैं पूरे मैच के लिए। मेरे को लगा वर्ड जो है ना, मेरे को काफी अच्छा लगा, डेस्टिनी वाला वर्ड। ये वो यूज कर सकते हैं अपने मर्चेंडाइज। कीव से पहले, कीव चैंपियंस लीग फाइनल से पहले जाने से पहले हम लोग ने डिजाइन किया था, जस्टिन स्टिल अराइव्स। सो अच्छा, सो आई थिंक यार देखो, क्लॉप मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत लोग इसके बारे में दे आर फियरफुल। एक 0.5% है जो जिन लोगों को लगता है क्लॉप सैक हो जाना चाहिए, 0.5 का 0.005%, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो फैंटेसाइज कर रहे हैं इसके बारे में कि लिवरपूल सैक कर देगी क्लॉप को। हाँ, नहीं होने वाला, ये सही वर्ड है, मतलब लोग चाह रहे हैं कि क्लॉप जाए, राइवल्स स्पेशली। नहीं होने वाला, नहीं होने वाला भाई, कीप फैंटेसाइजिंग।
मतलब जैसे लोग पेप के लिए फैंटेसाइज करते हैं ना कि इस सीजन तो सिटी अगर चैंपियंस लीग नहीं जीती तो पेप को सैक कर देंगे, मतलब पेप का सैक करना इज नॉट विनिंग द चैंपियंस लीग टाइटल, बाकी चीजें कुछ नहीं, चैंपियंस लीग नहीं जीता तो सैक। यू नो वही आपको पता है बाबा, निधि और मेरा ऐसे कॉन्वर्सेशन एक दो बार हुआ है कि मतलब यार सिटी जीत जाए चैंपियंस लीग ताकि उसको लगे कि हो गया मेरा काम और वो चले जाए, फिर ताकि जो क्लॉप जो जीत सकते हम तो जीते इधर। सो ऑफ कोर्स जो आप बोल रहे हो एकदम सही है कि मतलब वो एक फैसिनेशन है, जो निधि ने बोला फैसिनेशन है और सबको फैसिनेशन अगेंस्ट पेप कि यार विल ही वॉक अवे, विल ही गेट फ्रस्ट्रेटेड, प्लीज यार फ्रस्ट्रेट हो जाना यार, चले जाना यार, दैट्स बिकॉज ऑफ श्योर यू नो लाइक नॉट जेलेसी बट श्योर लाइक यार बसना है यार, निकलना है यार, कितना जीतेगा टाइम्स, वो वाला फील। मैं तो अब इस लॉजिक से तो मैं तो चाहता हूं कि पेप ना जीते भाई यूसीएल, ताकि वो हमारे साथ कंटिन्यू करे भाई अगले अगले 10 साल भी अगर हो रह जाता है तो एटलीस्ट यूनाइटेड के साथ जो हमारा डोमेस्टिक टाइटल का जो वो है वो तो कम हो, कम से कम डोमेस्टिक टाइटल तो हम जीतते रहे तब तक। हाउ मेनी लीग टाइटल्स हैव सिटी वन? 6 तो पर बहुत दूर है, 14 जीतने और जीत जाएंगे यार, वो 20 साल रहेगा ना मैनेजर और तो 14 तो जीत ही जाएंगे। hey, there is no, भाई वो भौंकला जाएगा वो, मतलब 20 साल अगर if Pep stays for more 20 years भाई खत्म भाई। Pep today said he don't get sad because he has the best hairstyle, क्या बात है, the bald brethren। बढ़िया बढ़िया। और कौन सा मैच है देखें जरा, लिवरपूल इस पे बात कर लिया हमने। प्रणय तेरे को जब निकलना हो तो निकल जाइयो, है ना, नो वरीज। सिटी का किसके अगेंस्ट है? सिटी का साउथहैम्पटन, फोड़म फाड़ी है यार ये तो, 4-5 गोल कर देगी साउथहैम्पटन को सिटी आराम से। हालैंड को एफपीएल में कैप्टन बना रहा हूं मैं तो कल, बाय द वे एफपीएल से याद आया गाइस, डोंट फॉरगेट टू ट्यून इनटू एफपीएल पंचायत फॉर द डेडलाइन स्ट्रीम टुमारो। हाँ बस बाकी क्या लग रहा है इसमें तो फोड़ेगी यार प्रणय, क्या चलो बाबा मैं निकलता हूँ बाय बाय। पर बहुत पता तो जा फोड़ेगी ना सिटी इसमें। अच्छा ओ मैं म्यूट कर लगे तब से ओके। साउथ मतलब मैं उस मोहक भाई की स्ट्रीम में भी बोला मैंने ऑलरेडी कि आई थिंक जो वो साउथ एंटन की जो एनुअल बीटिंग वाली सीन होता है ना, एनुअल बीटिंग जो उनका होता है जिसमें वो 6-7-8-9 गोल खा जाते हैं, आई थिंक उनकी वो एक हुई है, आई थिंक वो दोबारा होने वाली है। तो आई थिंक कल हम हालैंड के 3 गोल, ग्रिलिश का ब्रेस और केडीपी कई भी कुछ गोल देंगे, आई थिंक 6-7 गोल हम मार रहे हैं कल, जहां तक मेरे को लग रहा है। नाइस नाइस नाइस, चलिए ठीक है प्रणय, टेक केयर, टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। कोई ट्विस्ट का चांस है क्या इस टाइटल रेस में आप लोगों को लग रहा है क्या? मतलब चांस तो है बट डू यू फील कि सिटी हराएगी आर्सेनल? नॉट साउथ, नॉट साउथहैम्पटन बाबा, मतलब साउथहैम्पटन ऑनेस्टली बाबा मैं भी पता है बहुत क्लियरली बोला था जब रेलीगेशन की बात होती है ना तो एक टीम जो नेल्ड ऑन है फॉर रेलीगेशन मेरे हिसाब से वो साउथहैम्पटन, सिटी को तो नहीं हरा पाएंगे यार। मतलब ये तो मतलब थोड़ा फाड़ी वाला मैच है तो मतलब टाइटल तो जहां भी जाए वो तो अलग एक डिस्कशन है बट साउथहैम्पटन तो नहीं यार, ये तो दिस विल बी अ स्टैक पैडिंग गेम फॉर मैनचेस्टर सिटी। हाँ यार मतलब इजी विन है सिटी का एंड यू नो लाइक बाबा दे विल हैव अ यू नो लाइक व्हेन दे फिनिश द गेम दे विल बी लेवल ऑन पॉइंट्स तो वो टेबल थोड़ा आसपास होगा, पर लिवरपूल आर्सेनल है दे वांट टू मेक अ स्टेटमेंट वो सब, आई थिंक आराम से I think 3-4 गोल से तो सिटी मार ही देगा इनको, सिंपल सा। एंड सिटी का बहुत क्रूशियल फेज है यार अभी, मतलब दे आर प्लेइंग बायर्न म्यूनिख एज वेल नाउ इन द चैंपियंस लीग, एफए कप है, आई थिंक सिटी आर गोइंग टू स्टार्ट टू पीक नाउ। प्रीमियर लीग की बात कर रहा था, प्रीमियर लीग कह रहा मैं, मतलब 6 दे हैव वन और दो पहले भी जीते होंगे, 8 हो गए। बाबा बियर्ड ग्रूमिंग टिप्स दे दो क्योंकि मस्त है आपकी, भाई एक अच्छा नाई ढूंढो उससे दोस्ती करो और उसके पास जाओ, सीधी सी बात है, इसका कोई और टिप नहीं है, मतलब मैं खुद नहीं बनाता हूँ अपनी, मैं जाता हूँ
How much do you pay, by the way, Papa, for your... And genetics. And genetics. And genetics, yes. How much do you pay, Baba, for a beard trim and everything? 100 rupees. अपन एकदम देसी वाले के पास जाते हैं भाई। सही है। भाई, मैं भी 100 ही रुपए देता हूँ यार। 100 से ज़्यादा दिया नहीं जाएगा यार। मतलब इट मोस्टली अबाउट जीन्स, यस। लोगों को लगता है मैं बहुत स्किन केयर और बियर्ड केयर प्रोडक्ट्स लगाता हूँ। भाई, इतनी केयर मुझे करनी होती तो मैं बालों में नहीं लगा रहा होता क्या? तो इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स, जो भी है जेनेटिक्स है। साउथहैम्पटन तो एक टीम है जिसपे अपन अग्री करते हैं। लेस्टर जाएगी क्या नीचे? क्या लग रहा है आप लोगों को? होपफुली नॉट, बट यार जो हालत है लग रहा है। मेरे को मालूम है क्या लग रहा है बॉयज, फॉरेस्ट जाएगा। फॉरेस्ट, साउथहैम्पटन और होपफुली वुल्व्स। आई वांट वुल्व्स एज वेल। अब तो मेरा भी मन कर गया, आप लोग इतना वुल्व्स कर रहे हो तो मैं भी चाह रहा हूँ इतना वुल्व्स चल लीजिए, मारे हम उनको 4 गोल कर, मजा आएगा। मेरे को लग रहा है वेस्ट हैम हो जाएगा फॉर सम रीजन तीसरी टीम। वेस्ट हैम अगर चला गया तो कितने सारे प्लेयर उनके वो आ जाएंगे यार मार्केट में। एंटोनियो, बेनरामा, एगर्ड, राइस। अब वेस्ट हैम के गेम्स देखो ना बाबा, वेस्ट हैम के अपकमिंग गेम्स, इफ यू डोंट माइंड। वेस्ट हैम के अपकमिंग गेम्स हैं, अच्छा कॉन्फ्रेंस लीग में भी तो है ये, फुलम, आर्सेनल, बोर्नमथ, वेस्ट, लिवरपूल, क्रिस्टल पैलेस, सिटी, यूनाइटेड, ब्रेंटफोर्ड, लीड्स, लेस्टर। मतलब मोस्टली तो इनके रेलिगेशन वाले ही, मतलब 1, 2, 3, 4 हाँ, 4 मैच इनके 10 में से, ये तो ये 4 मैच इनको मतलब वो है इनके लिए। हाँ, सो बेसिकली वो 4 सीजन डिफाइनिंग है उनके लिए। एक्चुअली अभी देख रहा हूँ तो बच जाएंगे, बिकॉज अगर 2 भी जीत गया ना बाबा उसमें से, तो देन दे'ल बी गुड, आई थिंक। आई थिंक वेस्ट हैम विल जस्ट अबाउट मेक इट। फिर तो डेक्लिन राइस तो मतलब बासमत, मतलब 1 किलो राइस, मतलब ही विल बी अवेलेबल फॉर वेरी लेस ना, अगर वो रेलिगेट हो गए तो। And our good friend Grizz is saying कि Arsenal are nailed on to get Declan Rice. Baba, is Declan Rice a player आपको चाहिए Chelsea में? यार मतलब अब Enzo आ गया तो I wouldn't mind, but I would rather have Caicedo. थोड़ा dynamic एक जो होता है ना defensive mid, थोड़ा सा। I don't mind Rice, but I think Caicedo is the answer. Pseudodog Carrick costs $40 to get a beard trim in San Francisco. So clean shave ही रहो भाई। Not just San Francisco यार, most of the Western countries ना, मतलब even UK वगैरह में भी, इसलिए लोग यहाँ से सीख के जाते हैं, अपना बाल काटना खुद ही, अपनी beard trim करना खुद ही। Beard तो trim करना बहुत easy हो गया है, जैसे आ गए चीजें, but not just US यार, बाकी most countries में haircuts are expensive. By the way, बाबा मैं एक बात बताऊं, ये मैडिसन के ऊपर सवाल है ना, एक बार आप मैडिसन का इंजरी रिकॉर्ड खोलो ना, ये ना इस पे नजर नहीं गई, ये इस पे ना नजर नहीं गई है लोगों की। मैडिसन का इंजरी रिकॉर्ड इज वेरी बैड, इस पे ना पब्लिक मतलब उतना ध्यान नहीं देती है, बिकॉज लेस्टर के लिए खेलता है तो उतना न्यूज नहीं आती है। एक बार आप देख लो जेम्स मैडिसन का इंजरी रिकॉर्ड, इट्स बैड। जेम्स मैडिसन, हाँ, इंजरी, ट्रांसफर मार्केट में नहीं आ रहा यार, वैसे उसमें आ जाता। इट्स वेरी बैड यार इस इंजरी रिकॉर्ड। हाँ, इंग्लिश ना भी केटा, इंग्लिश इतना पूरा नहीं है, इंग्लिश ना भी केटा, इंग्लिश ना भी केटा, ना भी केटा कौन से क्लब से आया था? लाइपज़िग। ये है जेम्स मैडिसन का इंजरी रिकॉर्ड। काफी काफी फ्रीक्वेंट है, मतलब हर 4 महीने में, हर 2-3 महीने में इंजर्ड हो रहा है। बट बाबा 6 then 2-9-1-1-1-6-1 it's not horrendous frequency है, but
यार 6 गेम अगर आप एक सीजन में मिस कर रहे हो एंड 9 बाकी 1-1-1-1-1 मतलब रीस जेम्स विल बी हैविंग अ लाफ लुकिंग एट दिस ईयर, क्या बोल रहे हो आप? हां रीस जेम्स का इससे खराब है रिकॉर्ड, मतलब रीस जेम्स का इससे खराब है, मतलब ठीक है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बट गेम्स में ज्यादा नहीं है, गेम्स में ज्यादा नहीं है, हां गेम्स में ज्यादा नहीं है, बट अगेन अपन को ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि ये प्लेयर बहुत यंग है अभी, मतलब अभी अभी इतनी इंजरीज हो रही है तो 26 ना देखता हूं एज, जेम्स मैडिसन इज 26 बताओ यार, जेम्स मैडिसन और डेले अली एक ही एज के हैं, देखो अंकित रावत मानस भाई बार बार कैमरा ऑफ करके सैटरडे, देखो आज तो फ्राइडे तो आप मतलब आप टाइट हो फिर, मतलब आप मतलब ये तो मतलब आपको दिन ही पता नहीं कौन सा है और आप मेरे पे जा रहे हो बेटे बेटे बैठे उड़ती उड़ती चिड़िया देख के बता देते हैं नरे की मादा भाई गजब गजब, पंगा नहीं भाई पंगा नहीं, मानस भाई मुंबई में कहाँ रहते हो एड्रेस बता दे फूल लेके पहुंच जाओ मतलब ऐसे जब डीएम्स भी आता है ना बाबा कि मिलते हैं ये वो, मतलब थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, मतलब लाइक कहाँ रहते हो क्यों बताऊं यार मैं लाइक व्हाई द हेल शुड आई से वेयर डू आई स्टे भाई, पब्लिक सैलरी वाली पूछती है यार निधि भैया कितना कमा लेते हो और कितना कमाते हो ना कितना कमा लेते हो जैसे रिश्तेदार नहीं पूछता है मेरे लिंक्डइन पे 137 रिक्वेस्ट है भाई, मां कसम भाई, मतलब सैलरी कितना कमाते हो कहां रहते हो बताओ हमको एक और बढ़िया मैच है ब्राइटन और स्पर्स, ओहो भाई ये असली मौत का खेल है, स्पर्स का होम है बट आई थिंक यार आई विल फैंसी ब्राइटन इन दिस वन, पता है आई मीन यू हैव टू फैंसी ब्राइटन इन ऑलमोस्ट एवरी गेम बट ड्रॉ होगा बाबा ये, ड्रॉ बाबा ये यूट्यूब इनकम देखो ये इनफ पैन कार्ड पूछ लो आधार नंबर एक फॉर्म भेज दो ब्राइटन विल विन दिस, आई आल्सो थिंक ब्राइटन विल विन दिस यार, आई थिंक ब्राइटन विल विन दिस 3-0, इट वुड बी टू मच टू हैंडल फॉर स्पर्स, यू आर सेइंग ब्राइटन विल विन एट टॉटनहम 3-0, हां बिकॉज़ दे डोंट हैव अ मैनेजर अभी, वाओ बाबा एटीएम सीवीवी एंड पिन ये हुई ना बात ये हुई ना ये पूछो ना डायरेक्ट यही पूछ लो ना भाई ये बस वही बचा है बस वही बचा है यार इफ 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 ब्राइटन विंस ना दिस वन आई थिंक ब्राइटन आर गेटिंग टॉप 4 देन हु आर यू पुटिंग आउट ऑफ टॉप 4, चलो अपन ने रेलीगेशन की बात कर ली, रेलीगेशन में अपन एक चीज करना भूल गए, आपकी तीन टीम्स बताओ निधि भैया, आपकी तीन टीम बताओ जल्दी से, साउथहैम्पटन नॉटिंघम फॉरेस्ट और वुल्व्स, आपकी निधि भैया साउथहैम्पटन लेस्टर एंड होपफुली वुल्व्स, बट वुल्व्स वाला होगी नहीं तो मोस्ट लाइकली इज फॉरेस्ट, ओके मानस फॉर मी फॉरेस्ट एंड साउथहैम्पटन आर डेस्टिनड फॉर रेलीगेशन, वेस्ट हैम के गेम्स है कि सो आई एम रूलिंग देम आउट, मेरे हिसाब से बोर्नमाउथ हो जाएगा रेलीगेट, बोर्नमाउथ नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड साउथहैम्पटन, आई वुड से साउथहैम्पटन बोर्नमाउथ एंड लेस्टर अनफॉर्चुनेटली, चलो अब टॉप 4 की बात करते हैं, यहां की प्रेडिक्शन करने की कोशिश, आर्सेनल मैन सिटी तो हटा दो ठीक है, अब न्यूकासल भी मेरे हिसाब से, चलो न्यूकासल पे अभी करते हैं डिस्कशन, आपके टॉप 4 बताओ, चलो क्या लगता है आपको ये टॉप 6 में कौन टॉप 4 आएगा, देखो मैं अपना एक टेक दे देता हूं बाबा, उसके बाद अगर ब्राइटन जीत गया टॉटनम के अगेंस्ट, टॉटनम के 30 मैच हो गए, ब्राइटन के 28 हुए,
और ब्राइटन विल बी 1 पॉइंट बिहाइंड टॉटनहम विद 2 गेम्स ओके सो अगर ये होता है सो मेरे हिसाब से दे आर नेल्ड टू गेट टॉप बिकॉज टॉट आई थिंक द टॉप फोर इज बिटवीन 3 टीम्स न्यूकासल मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ब्राइटन अगर आप ब्राइटन के मेरे को फिक्चर्स दिखा दोगे तो फिर मैं आपको कंफर्म टाइप्स देखो ब्राइटन ओके अरे बाप देन चेल्सी देन चेल्सी ओके ये तो उसके बाद फॉरेस्ट विनेबल वुल्व्स विनेबल ओके यूनाइटेड एट होम लिटरली टॉप फोर 6 पॉइंटर ब्राइटन एवर्टन विनेबल आर्सेनल टफ ओके साउथहैम्पटन विनेबल विला विनेबल दे हैव फिक्चर्स आई मीन और सिटी भी होगा आई फक दिस इज टफ न्यूकासल का दिखाओ जरा बाबा सॉरी इतना काम करा रहा हूं आपको अरे नहीं नहीं कोई नहीं मजा आ रहा न्यूकासल इज ब्रेंटफोर्ड विनेबल विला विनेबल टॉटनहम विनेबल न्यूकासल एवर्टन विनेबल साउथहैम्पटन विनेबल आर्सेनल इज अ टफ वन लीड्स विनेबल ओ भाई न्यूकासल भाई न्यूकासल तो इज न्यूकासल मेरे को लगता है थर्ड फिनिश कर सकती है ओ फिर तो मैन यूनाइटेड के फिक्स्चर देखते हैं हां मैन यूनाइटेड के फिक्स्चर्स देखते हैं एवर्टन विनेबल फॉरेस्ट विनेबल चेल्सी टफ फर्स्ट विनेबल विला ब्राइटन तो एफए कप है सॉरी विला विनेबल ब्राइटन टफ United will finish in the top four. I think United will win. United will finish. United will finish, definitely. So I think it's Brighton. Brighton, नहीं, फिर तो Newcastle. Newcastle, yeah. United. I think यही रहने वाला है. Order भी यही रहेगा मुझे लग रहा है. That's, yeah, actually. What is the best book to know and study about tactics? अगर आपको evolution of tactics के बारे में पढ़ना है तो आप inverting the pyramid पढ़ो. Inverting the pyramid. मैं वही पढ़ रहा हूँ आजकल बहुत अच्छी बुक है मतलब उसमें बिल्कुल एलिमेंट्री मतलब एकदम स्टार्टिंग से लेके हर 2-3 साल में कैसे एवोल्यूशन हुआ है टैक्टिक्स का विद एग्जांपल्स विद गेम्स जिनमें यूज की गई हैं वो सब इस्तेमाल हुआ है तो आपको मजा आएगा पढ़ने में व्हाट इफ द 17th एंड 18th place teams have same points and goal difference then goal conceded dekhte hain jiske kam hote hain then I think goals for is the tiebreaker then head to head aata hai aisa ye order rahe mujhe yaad hai ki 2012 aur 13 season tha jisme going into the last day Arsenal and Chelsea had everything same oh fuck everything same matlab goal difference for against sab kuch बट कुछ ऐसा हुआ था कि एक या दो गेम वीक पहले ड्रू अ गेम एंड वन बोथ फॉर गेम्स तो हम थर्ड आ गए थे लेकिन ऐसा मैंने उस टाइम पढ़ा था कि एक शायद प्लेऑफ गेम होगा टू डिटरमाइन हु फिनिशेस थर्ड और फिर येलो कार्ड्स रेड कार्ड्स में नहीं जाता सब सेम था ओ येलो कार्ड्स रेड्स भी सब सेम था तो वो था कि फाइनल टाई ब्रेकर इज अ प्लेऑफ गेम अगर कोई आपके पास डिसाइड कर अभी मतलब वर्ल्ड कप में भी हुआ था ना जापान के साथ इफ यू रिमेंबर लाइक एकदम सब कुछ सेम था एंड जापान वर नॉक्ड आउट आई थिंक बिकॉज़ ऑफ दोस रूल्स एंड रेगुलेशंस आई थिंक नहीं नहीं जापान तो प्रॉपर आई थी देयर वाज सम कुछ समीकरण बन रहे थे वैसे बट वो हुआ नहीं था मतलब द टीम आई थिंक हैड लॉस्ट एनीवे वो निधि भैया फुल नेम भाई निधि वेंकटेश अय्यर वेणुगोपाल चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल आधार कार्ड चाहिए क्रेडिट कार्ड सीवीवी इफ आर्सेनल एंड चेल्सी हैड एवरीथिंग सेम देन किसने ज्यादा बाउंड्रीज मारी से डिसाइड हुआ होगा जस्टिस फॉर न्यूजीलैंड अरे भाई कहां की बात कहां ले गए भाई चैंपियंस लीग में हुआ था हाँ वो तो बहुत हुआ यार निधि का लास्ट नेम तो निधि भैया है ना भैया लास्ट नेम भैया सही बात हाँ भाई आई होप न्यूकासल गेट्स ड्रॉन इन द सेम ग्रुप एज रियल मैड्रिड इफ दे गेट टॉप फोर हु इज विनिंग द चैंपियंस लीग गाइस इधर रियल मैड्रिड या बायर्न
although I want Napoli to win, but Real Madrid और Bayern में से एक लग रहा है मेरे को। मुझे भी Napoli का कौन है मतलब Napoli जीते। निधि मुसियाला है बेस्ट। सिटी चेल्सी चेल्सी यार चेल्सी कैसे लिख पा रहे हो यार तुम लोग पागल वागल हो क्या यार सोचो एक ऐसी टीम जो 13-14 है लीग में और चैंपियंस लीग जीत जाए सवाल उठ जाएंगे फुटबॉल के स्ट्रक्चर पे कि ये क्या होगा करेक्ट फॉर्मेट है कि नहीं नहीं यार आई थिंक मैन सिटी एंड रियल मैड्रिड आर टू फेवरेट्स मैन सिटी बायर्न म्यूनिख आई वुड हैव सेड बट अभी नागल्स टुकल क्या करेगा कैसे करेगा हाँ टुकल क्या करेगा फ्राइबर्ग से हार गए लीग में लीग कप उनके पोकाल में और नाउ दे प्ले फ्राइबर्ग अगेन डॉर्टमुंड भी हार गई हाँ डॉर्टमुंड लाइपजिग से बाहर हो गए अगर और दे प्ले फ्राइबर्ग अगेन इन द लीग सो आई रियली डोंट नो ये व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बायर्न टीम आई थिंक सिटी इज ऑन इट आई थिंक अभी मेरे को लग रहा है सिटी विल बी चिया निकलता है स्टार्स फॉर मैरिड होना अच्छा ठीक है देखते हैं क्या 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 रेजिंग पार्टी होगी ना इधर भी मैरिड होना अगर भाई नापोली है ना कोपा बोल रहा कोपा इटालिया जीती थी लॉकडाउन वाले ईयर में ठीक है वो 2020 वाला जो सीजन था हाँ। या सुपर इटालिया जीती थी जो भी जीती थी भाई फैंस आ गए सड़क पे नाचने रात को हाँ। मतलब ही नहीं लॉकडाउन है क्या है हाँ। सेलिब्रेट करने आ गए भाई स्टेडियम के बाहर तू समझ रहा है लीग में क्या होगा दिस इज द फर्स्ट टाइम दे गोना विन द लीग इन इटर्निटी भाई पागलपन होगा 30-31 साल के बाद जीते हैं वो मैराडोना के टाइम पे ही जीते थे लास्ट टाइम तो हमारे जैसा ही है जो भी है मतलब दे गोना बी मैड ब्रो लिवरपूल का भी तो वो लॉकडाउन के टाइम पे ही आया था टाइटल वो नहीं पाया सब आ गए थे भाई सब आ गए थे आ गए थे उसमें भी सब बाहर हां नो वन केयर्ड ब्रो सब बाहर अच्छा नो वन केयर्ड ब्रो स्पाइक हुआ था थोड़ा नंबर उसके बाद बट पर 30 साल में मतलब मतलब उसको तो मानस ने रोक लिया खुद को बोलते कुछ अब बाबा अगर चेल्सी बीट मैड्रिड बहुत बढ़िया भाई बहुत अच्छा हो जाएगा जयपुर की गर्मी में एक एक बंदा सिर्फ निधि की चड्डी पहन के भाग रहा है सड़क पे निधि आने बाबा मौत का खेल करेंगे यार मतलब अगर रियल मैड्रिड को हरा भी दिया तो आगे यार दो भूत खड़े हैं भाई बायर्न या सिटी उसमें से कोई एक मिलेगा यार नहीं है पॉसिबल भाई छोड़ दो भाई देखो अगर फाइनल में पहुंच गए ना चेल्सी तो मैं लिख के दे रहा हूँ फिर तो किसी का बाप नहीं रह पाएगा लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाएंगे यार सही बता रहा हूँ मैं फिर तो नापोली क्या नापोली का बाप भी ले आओगे नहीं हरा पाएंगे फाइनल तक का अगर ये जो कांटो भरा सफर है फाइनल तक अगर ये पूरा हो गया तो भाई मतलब मजा ही आ जाएगा लेकिन नहीं होगा यार बहुत इट इज टू गुड टू बी ट्रू इनफैक्ट बेंजीमा भाई पतंग बनाएगा चेल्सी को बर्नबाउ में उड़ाएगा 4-5 गोल मारेगा अभी देखना तुम अगले हफ्ते बाबा इट्स लाइक चेल्सी इज लाइक श्रीसंत ना वर्ल्ड कप में मतलब 47th ओवर में बस 24 रन नहीं खाने हैं फाइनल ओवर में तो हीरो बन जाएगा वो है ना अरे चेल्सी श्रीसंत ये अच्छा लगा मुझे खैर चलो गाइस आई थिंक काफी बढ़िया डिस्कशन हो गई आज रैप करते हैं एक क्रेजी सा प्रेडिक्शन दे दो कुछ इस वीक का सीजन का खतरनाक सा आउटलैंडिश बिल्कुल लिवरपूल फिनिश इन द टॉप 4 नाइस ब्राइटन विन द एफए कप एंड फिनिश इन द टॉप 4 And that is possible. पता मैं इतना outlandish भी नहीं बोलूंगा इसको कि चांस ही नहीं है इसका तो होने का. That is
क्वाइट पॉसिबल. व्हाट्स द अदर सेमीफाइनल एफए कप में? एक तो ब्राइटन और यूनाइटेड है, दूसरा क्या है? सिटी एंड शेफील्ड यूनाइटेड. शेफील्ड यूनाइटेड, शेफील्ड. मैं दूं एक प्रेडिक्शन, दो ना, सिटी टू विन द ट्रेबल. वाओ, सिटी विल विन द ट्रेबल, ये मेरा प्रेडिक्शन है. उसके बाद अगर पेप छोड़ के नहीं जाए ना, जूत मारूंगा, इतने झूठ जूत मारूंगा. गुरप्रीत भाई, थैंक यू सो मच. कैसे हो बॉयज? लेट्स गो लिवरपूल, यू विल नेवर वॉक अलोन वर्सेस आर्सेनल. बिल्कुल भाई, सपोर्ट कीजिए पूरे जोरों शोरों से. सिटी फैन है गुरप्रीत, सिटी फैन है. अच्छा अच्छा, हाँ मेरी बात होती है गुरप्रीत से. हाँ होती रहती है मेरी बात से गुरप्रीत से. ओके, देखते हैं भाई. वैसे जैसे मतलब अपन बात कर रहे हैं ना, सिटी इस टर्म्स में काफी अंडर द रडार निकल रही है in terms of winning the treble. मतलब no one has even given them this, given a thought about this ki they can. But 2023 के बारे में एक prediction करना चाहता हूँ जो शायद सच भी हो जाए. बाबा टू हिट 1 million subscribers. Oh my God. अरे भैया 2023 चार महीने तो हो गए, but thank you so much भैया, love you. हो जाए भाई, करा दो बात, सही करा दो. बाबा हिट्स 1 मिलियन मैंने से द मॉन्क विद इन द नेक्स्ट 2 इयर्स. अरे मैंने से द मॉन्क रहने दो बाबा, हम लोग बहुत बार बात करते हैं ना 100K 100K. मेरे को तो लगता भी नहीं हम लाइफ में कभी 100K करेंगे, बट नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है. लेकिन मतलब 1 मिलियन 2023 में हो सकता है बाबा. नहीं, आई लव बाबा एंड ऑल, 1 मिलियन नहीं होगा. आई थिंक बाकी एक निधि भैया का आउटसाइड वो है ब्राइटन, बाकी हमें तो यही लगता है यही होने वाला है. चलो होपफुली यार, ये जो अच्छी अच्छी हमने बातें करी है, मैनिफेस्ट कर रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं हो जाए. और आप सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, जिन्होंने भी नहीं किया. मैंने सेंड द मॉन्क प्रणीत टीएफबी, अभी भी स्टिल मोर देन 1100 पीपल आर विद अस, तो लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को. टैकल फ्रॉम बिहाइंड को मत करो, मैंने सेंड द मॉन्क को करो, वो नहीं है इधर, बोलने की जरूरत नहीं है, हमें करो. लास्ट एक मैं ले लेता हूँ मेंबर की चैट. बाबस, चेल्सी हैव अपॉइंटेड लैम्पार्ड एट द एंड, अंटिल द एंड ऑफ द सीजन, डज इट मीन नागल्समैन हैज द हाईएस्ट चांस ऑफ बिकमिंग द मैनेजर? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है भाई, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, फिर एचआर राउंड होगा, पहले पहले इंटरव्यू होगा, फिर टेक्निकल राउंड होगा, फिर एचआर राउंड होगा, उसके बाद सैलरी डिस्कस होगी, तब जाके अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा. इट्स अ प्रॉपर प्रॉपर जॉब इंटरव्यू. हु इज विनिंग द यूईएल? सेविया. चलो गाइस, टेक केयर. Roma. Bye bye. I hopefully Roma. Roma. Hopefully. अच्छा. एक और सुपर चैट आ गया. Feelings about Luis Enrique to Chelsea talk. Good feeling. Have no problem with either of Nagelsmann or Enrique. But जो भी है, जल्दी बने. Season खत्म होती. हाँ, मानस. मेरे को सिर्फ एक चीज बोलनी है. If things go according to plan, it will be Roma versus Manchester United final. Jose Mourinho versus Manchester United. वो मेरे को देगा. Bracket. Bracket is Roma. The bracket will meet Roma versus Manchester United. I want to watch that. Roma, यार मैं भूल ही गया था. Roma भी Europa में. Roma, Roma. Let's Roma go. Roma versus Manchester United अगर होगा ना तो वो पैसा वसूल final होगा भाई. मेरे को तो proper soft spot है. If there is one club जिसके jerseys में own करता हूँ number of jerseys after Liverpool, that's Roma. Roma की jerseys बहुत sexy होती हैं यार, वो maroon color. बाबा Roma has not made bad jerseys. Roma, भाई वो it's the casual fashion capital of the world यार, Roma. So उनकी jerseys कहाँ से खराब होंगी? But I want Roma to win because I have a soft spot for Roma. I want them to win. बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ for Jose Mourinho. चलो guys, everyone take care. Good night. Peace out. Bye bye.